सब कुछ सिखाने वाले तो गुरु हैं हमारे साथ, पर क्या वो लड़कियाँ ठीक से सीख पा रही हैं? यानी कुछ गर्ल्स बहुत वीक होती हैं जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कभी उन्होंने ज़िंदगी में डांस नहीं किया, उनको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत होती है. उसके लिए इंस्ट्रक्टर्स हैं, मैं हूँ, हम चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम. वेल, आई एम श्योर दूसरा साल ज़रूर है. इट लुक्स लाइक कि जैसे बच्चा बड़ा बढ़ता है तो उसके साथ साथ हम लोग भी बड़े हो रहे हैं एक साथ. लास्ट ईयर पहला साल था और अभी दूसरे साल में हम लोग भी साथ में हैं, तो इट फील्स ऑनर्ड दैट वी आर पार्ट ऑफ आई एम श्योर. और डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुश्किल ज़रूर आती है, क्योंकि हर लड़की जो होती है वो सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं रहती है, क्योंकि कुछ लोग इनमें जो हैं वो क्लासिकली ट्रेंड हैं, कुछ जो ट्रेंड नहीं है बिल्कुल भी. सो वो बैलेंस क्रिएट करने में ज़रा मुश्किल हो जाती है, बिकॉज वी कांट गिव टू मेनी टफ स्टेप्स, और उसके साथ काफ़ी आसान स्टेप्स नहीं दे सकते हम लोग, तो वो जो बैलेंस है वो हमें क्रिएट करना पड़ता है. सो आई थिंक वी हैव टू बी क्रिएटिवली, हमारी जो हैट्स होती हैं वी हैव टू पुट डाउन लॉट मोर, ताकि कहीं भी कोई ज़्यादा ख़राब ना लगे और कोई ज़्यादा अच्छा ना लगे, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे दे ऑल आर जज एट द सेम टाइम. सो वहाँ पर हम लोग को ज़रूर मुश्किल आती है. बस सुष्मिता को मेरे हिसाब से कुछ टिप्स देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई थिंक शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, शी इज़ वेरी ग्रेसफुल एंड एलिगेंट, हमने देखा है मूवीज़ में इन पर्सन एज वेल. सो आई वुड ओनली टेल हर दैट सुष्मिता बी योर सेल्फ, बिकॉज इफ़ यू आर योर सेल्फ देन यू विल विन द यूनिवर्स. वेल, उसके बाद आपको सुष्मिता से पूछना चाहिए वॉट इज़ हर परफॉर्मेंस, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज डेफिनेटली विल बी डायनामिक. थैंक यू.